हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में देखिए हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं। हमने इसे क्रोशिया से बनाया है, बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस है और इसे बनाना बहुत ईजी है। देखिए हमने इस पे ये हाथ से बना के फ्लावर लगाए हैं, साथ में हमने इस पे अटैच दुपट्टा बनाया है और ये है इसके साथ चोली। और मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई क्योंकि एंड में नहीं बताई है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ कि यहाँ पर इसकी तैयार लंबाई कितनी आ रही है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसकी तैयार लंबाई है 7 इंच। ये देखें 7 इंच आ रही है इसकी लंबाई। इसे बनाना बहुत ईजी है, मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बनाना बताया है। आप वीडियो पूरी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। मैं ऐसे ही रील बना के माता रानी को पहना के वहाँ पर डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति_फैशन_लाइफ50, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं माता रानी या दुर्गा जी या माँ राधा रानी, माँ लक्ष्मी, किसी के लिए भी आप बोल सकते हैं, जिसके लिए भी चाहे बना सकते हैं उनकी ये ब्यूटीफुल से ड्रेस। ये देखिए हमने यहाँ पे 2 कलर में ऊन लिया हुआ है, साथ में हमने यहाँ पे 2.5 mm में क्रोशिया हुक लिया हुआ है। सबसे पहले हम ऑरेंज कलर से अपना बॉर्डर बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने इससे बुनाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से एक नॉट लगा लेते हैं ऐसे करके, फिर इस पे अपने हुक को डालेंगे और यहाँ पे इसे खींच के टाइट कर लेंगे। इतना टाइट करना है कि हुक इसमें आसानी से सरकता रहे। अब देखिए यहाँ से इस तरह से हमें निकालना है। एक चेन बनाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। हमने यहाँ पे टोटल 22 चेन बनाई है। अब क्या करेंगे, एक चेन यहाँ पे हमारे हुक में, इसके बाद वाली 2 चेन छोड़नी है और तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने तीसरी चेन में डाला और ये हमने डबल क्रोशिया बना ली, यहाँ पे हमारा हो गया। अब देखिए अगली चेन में फिर से डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखें इस तरह से करेंगे और यहाँ नेक्स्ट चेन में डालेंगे, इसमें हमने फिर से डबल क्रोशिया बना दी। फिर इस तरह से करेंगे, अगली चेन में डालेंगे और यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना दी। फिर इस तरह से करेंगे, यहाँ अगली चेन में डालेंगे, हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दी। इस तरह हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये एक रो बना दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखें 1 और 2, हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई। फिर यहाँ पे फर्स्ट चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ देखिए। फिर हमने अगली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह फिर से हम यहाँ सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे 2 रो बुन के कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से नॉट लगा के और कट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे हमें अपना दूसरा कलर लगाना है। ये हमारा बॉर्डर हो गया, ये हमारे कमर का बॉर्डर हो गया, जहाँ से हमने कट किया है वहीं से हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए हमने अपना सेकेंड कलर ले लिया है, यहाँ से हम इस तरह से इसे लगा लेंगे। सभी चेन में हमें एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई। अब फर्स्ट चेन में ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे हमें यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक आ जाना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे सेकेंड रो से अपने फंदे को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। किस तरह से बढ़ाना है, देखें 1 और 2, 2 हमने चेन बनाई। यहाँ फर्स्ट चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से करना है और यहाँ से हम ये डबल क्रोशिया को उठाएंगे और इसे हम हल्का सा लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद हमने बुन दिया। बुनने के बाद देखिए, अब इसके बाद ये जो हमारी नेक्स्ट चेन आ रही है, ये तो हमारे डबल क्रोशिया वाले की है। इसके बाद जो अगली चेन आ रही है, इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया 1 और यहीं सेम चेन में 1 और बार बुन देंगे इस तरह से। फिर हमने ऐसे किया, यहाँ पे देखें ये 1 हमने छोड़ा जिसमें हमने ऊपर बनाया है अभी, और यहाँ डबल क्रोशिया में डाल के अगले वाले में हमने इसे हल्का सा लंबा किया और बुन दिया। बुनने के बाद फिर देखें, इस पे तो हमने उठा के बना दिया, अब इसके अगले वाले में डाल के हम इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 और यहीं सेम चेन में 1 बार और। फिर देखें ये हमारा इस वाले चेन में तो हमारा बन गया, अब अगले वाले में हम डबल क्रोशिया में डाल के बनाएंगे। इस तरह से इसे हमने हल्का सा लंबा किया और यहाँ पर हमने इस तरह से बुन दिया। फिर यहाँ पर अगली चेन में हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे, ये हमारी सीधी साइड है, ये देखिए इस तरह से। ऐसे करके हमें अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है।
ये देखिए हमने यहाँ पे लास्ट तक बना दिया। ये आपको देखिए यहाँ से उभरा उभरा सा दिख रहा होगा, ये हमने डबल क्रोशे में डाल के बनाया। और दो दो हमने यहाँ जो डबल क्रोशे डाल के बनाई वो हमने चेन में बनाई है। अब यहाँ से हमारा सेकेंड रो स्टार्ट होगा। सेकेंड देखिए लास्ट में यहाँ पे हमारा दो आया है डबल क्रोशिया जो कि हमने चेन में से बनाई है, और उसके बाद ये वाला एक जो है हमारा, ये हमारा जो है वो हमने अपने डबल क्रोशिया में से उठा के बनाया, इसलिए उभरा हुआ है। अब अपने वर्क को टर्न करेंगे और देखिए टर्न करने के बाद यहाँ पे एक दो हमने दो चेन बनाई। दो चेन बनाने के बाद यहाँ पे हमें ऐसे बढ़ाना नहीं है, ये अपने आप ही तीन हो जाएगा। अभी देखिए ये दो फंदे से हमारा तीन फंदा हो गया, जो हम यहाँ पे चेन बनाते हैं उसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो इस तरह से इधर ये देखिए तीन हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरह ऐसे करेंगे और जो यहाँ पे हमारा उभरा वाला आ रहा है ये देखिए, इसमें हमें ऐसे करके डालना है, और डालने के बाद यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने निकाला, इसे हल्का सा खींचेंगे, खींचने के बाद देखें ये हमने यहाँ पे बुन दिया। अब बीच वाली हमारी जो हमने एक चेन में दो बार बुना था वो वाला आ गया है, तो इसमें सबसे पहले हम ये एक में ये देखें दो कर लेंगे और अगले वाले में एक बार ही बुनेंगे। अब ये हमारा दो से तीन हो रहा है, ये देखें ये हमारा दो से तीन हो गया। फिर हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पे देखिए ये हमारा उभरा वाला आ गया है, तो ये उभरे वाले में हम डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ से हमने इस तरह से फंदे को निकाला। निकालने के बाद हल्का सा खींच लेंगे, और खींचने के बाद इस तरह से हमने बुन दिया। अब फिर देखिए यहाँ पे हमने जो एक ही चेन में दो बार बनाया था डबल क्रोशिया वो आया है, तो पहले वाले में हम दो डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में हमें एक बनाना है। इस तरह से ये फिर हमारा दो से तीन हो जाएगा। ये देखें ये एक बार हमने बनाया, और यहीं इसी में हमने एक और बार बना दिया, और नेक्स्ट वाले में हम सिर्फ एक बार बनाएंगे। और फिर हमारा यहाँ पे आगे से उभरा वाला आ गया है, ये देखिए ये उभरा हुआ है, तो हमें उभरे वाले में अपने इस तरह से डाल के निकालना है, और निकालने के बाद हम इसे थोड़ा सा खींचेंगे, और खींचने के बाद इस तरह से हमने बुन दिया। ये देखें फिर यहाँ पे हमें फर्स्ट चेन में दो बार डबल क्रोशिया, ये एक बार हुई, और यहीं सेम चेन में एक और बार, और इसके बाद वाली चेन में सिर्फ एक बार ही बुनना है। ये देखें इस तरह से ऐसे करके हम अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ एक फंदा था, फिर अब एक से दो हो गया, फिर तीसरे रो में ये तीन हो गया। तो चलिए मैं अपनी तीसरी रो कंप्लीट करती हूँ, फिर चौथी रो में दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने अपनी सेकेंड रो कंप्लीट कर दी। अब फिर हम सीधी साइड आ गए हैं, सीधी साइड हमें किस तरह से बुनना है देखें, एक दो हमने यहाँ पे दो चेन बनाई। अब यहाँ पे देखिए हमें तीन में तीन बार ही बनाना है, ये जो हमारा तीन का आया है तीन तीन बीच में हमें तीन बार ही बनाना है। तो अगर हम यहाँ पहली चेन में बना देंगे तो इसमें हमारा चार हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पहली चेन स्किप करके सेकेंड चेन में बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये दो हो गया और ये हमारा तीन हो गया, ये हमने तीन डबल क्रोशिया बना दी। अब देखिए हमारी उभरा हुआ जो है हमारा वो वाला आ गया है, तो इसमें हम डाल के इस तरह से इसे बुन देंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे हमारी जो तीन चेन है इसमें हम तीनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें ये हमने इस तरह से बना दिया। फिर यहाँ अगले में हम इस तरह से डालेंगे और इसे हमने ऐसे बना लिया। फिर देखें यहाँ अगले में हमने तीन बार ही बनाना है, ये एक, ये हमारा दो, और ये तीन। और फिर यहाँ इसमें से ऐसे हम निकालेंगे और इसे हमने इस तरह से बुन देना है। इस तरह से हम अपना ये वाला रो बुनेंगे, और इसके बाद वाले रो में भी हम तीन तीन का ही बनाएंगे, और उसके बाद जब हम इधर आएंगे फिर हमें तीन तीन का ही बनाना है। ऐसे हमें तीन तीन का टोटल चार रो बुनी है, एक रो मैंने बुन दी है, दूसरी मैंने आपके सामने बुनी है, और तीसरी रो भी हम अपनी इसी रो की तरह बुनेंगे, और चौथी रो हमारी इस रो की तरह रहेगी। आप समझ ही रहे होंगे आगे की साइड से हम इस तरह से आगे से इसे उठाएंगे, और जब हम बैक पे जाएंगे तो हम यहाँ देखें ऐसे पीछे से लगा के इस फंदे को अपने उठा लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे अपनी तीन रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये तीन तीन का बुन दिया है, ये फ्रंट साइड से इस तरह से आएगा। ये देखें ये बीच बीच में हमारा तीन तीन है, हमने चार रो बुनी है। अब अगली रो जो रहेगी हम इसमें चार चार कर लेंगे, जो हमारा तीन फंदा है उसे हमें चार कर देना है। तो देखें इस तरह से हमने दो चेन बनाई और यहाँ फर्स्ट चेन में ही बना लेंगे। जब हम फर्स्ट चेन में बनाएंगे तो देखिए ये दो हो गया, ये हमारा तीन हो गया, और ये हमारा चार हो गया। चार के बाद यहाँ से देखिए ये हमारा उभरा वाला आ जाएगा, तो ये हम उभरे वाले में इस तरह से डालेंगे और इसे निकाल के बुन देंगे। ये हमने बुन दिया। और फिर देखें ये बीच वाला आया है, तो पहले से जब स्टार्ट करेंगे तो यहीं पर हम पहले वाले फंदे में ही डबल कर देंगे इसे। ये हमने डबल कर दिया, और बाकी दो फंदे में हम एक एक बार बना देंगे। ये देखें ये एक और ये फिर एक। फिर हमारा यहाँ पे ये उभरा वाला आ गया है, तो इसमें हम इस तरह से डालेंगे और इसे हमने निकाला। निकालने के बाद हल्का सा लंबा करेंगे और इसे इस तरह से बुन देंगे। फिर देखिए यहाँ पे तीन फंदे हैं, तो पहले वाले में हमने ये एक और दो बना दिया, और इसके बाद वाले में हमें ये देखें इस तरह से
एक एक ही बनाना है। तो ये हमारा तीन में अब चार हो गया। ये देखें, ये इस तरह से ये हमारा चार चार हो गया है इसके बीच बीच में। ये देखिए, ये एक दो तीन चार, ऐसे ही हमें चार चार का यहाँ पे एक दो तीन चार, चार रो बनानी है। ऐसे ही करके आप इसे चाहे जितना लंबा कर सकते हैं चार चार रो का, क्योंकि हम दुर्गा जी के लिए बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें ऐसे फैला हुआ नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फैला हुआ चाहिए तो आप हर दूसरी रो में बदल सकते हैं। जैसे कि तीन तीन की रो दो बना लें, फिर चार चार की रो दो बना लें। मैंने यहाँ पे तीन तीन की रो तीन बनाई है, फिर मैं चार चार की तीन, सॉरी, मैंने यहाँ पे तीन तीन की रो चार बनाई है, अब मैं चार चार की भी चार बनाऊंगी। उसके बाद हम पाँच पाँच की चार बना लेंगे। ऐसे करके मैं इसे लंबा करूंगी। तो चलिए मैं इसे लंबा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए, हमें यहाँ पे इस तरह से गुड़हल के फूल बनाने हैं। ये देखें, ये ऐसे है, एकदम गुड़हल के फूल के जैसा ही है ये। ये देखें, तो हमने इसे किस तरह से बनाया। इसे बनाने के लिए हमें इस तरह का पेप्स चाहिए। ये 20 रुपए का मिल जाएगा आपको बंच, 20 से 25 या 30 में मिल जाएगा आपको। इसमें 12 पीस आते हैं, तो हम 2 पीस यूज करेंगे एक फ्लावर में। देखिए, इस तरह से हमें दो दो पीस लेना है। आप एक पीस भी यूज कर सकते हैं एक फ्लावर में। हम यहाँ पे इस तरह से चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार। ये देखिए, ये इस पे फोकस कर रहा है, इसे हटा देते हैं। हमने यहाँ पे देखिए चार चेन बनाई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट चेन में डालेंगे और यहाँ इसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे एक दो दो चेन बनाई। ये जो हमने छोटा सा सर्कल बनाया है इसमें डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे एक, और ये एक हमारा डबल क्रोशिया पहले से ही है, जो हमने चेन बनाई है उसे भी हम डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो दो हो गया है, ये हमारा तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः हो गया। इसी सर्कल में हमें डाल डाल के बुनना है। ये सात हो गया, ये हमारा आठ हो गया, ये नौ हो गया, ये 10 हो गया, ये हमारा 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, और ये लास्ट 15 हो गया। हमने यहाँ पे 15 बार टोटल बना दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ इसे हम स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरह से जोड़ देंगे। देखें, ये सर्कल हो गया। यहाँ पे हमें एक दो तीन चार, चार चेन बनाई। अपने हुक पे इस तरह से 2 बार लपेटेंगे और जहाँ से हमने चेन बनाना शुरू की है वहीं पे डालेंगे। फंदे को निकाला, चार फंदे हैं, दो फंदे को एक बार, फिर दो फंदे को एक बार, ऊपर हमारे दो फंदे हो गए। फिर हमने इस तरह से लपेटा 2 बार, सेम जगह डालेंगे। देखें, दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार, ऊपर हमारे तीन फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे एक बार लपेटेंगे, ये डाला हमने, दो फंदे को सिर्फ एक बार निकाल लिया। यहाँ ऊपर चार फंदे हो गए, फिर हमने इस तरह से लपेटा, डाला और दो फंदे को सिर्फ एक बार निकाल लिया। ऊपर देखें, पांच फंदे हो गए, फिर हमने इस तरह से लपेटा, यहाँ पे डाला और दो फंदे को सिर्फ एक बार निकाल लिया। देखें, ऊपर यहाँ पे 6 फंदे हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो फंदे को एक बार, फिर दो फंदे को एक बार, फिर दो फंदे को एक बार, और फिर दो फंदे को एक बार, फिर दो फंदे को एक बार, इस तरह से बुन देना है। इतना बुनने के बाद हमें क्या करना है, देखें, एक दो तीन, हमने यहाँ तीन चेन बनाई। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ फर्स्ट में डालेंगे और इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बुन देंगे। फिर अगले में हमने डाला, सिंगल क्रोशिया बुन दी। फिर हमने अगले में डाला, सिंगल क्रोशिया बुन दी। फिर हमने अगले में डाला, सिंगल क्रोशिया बना दी। फिर हमने अगले में डाला, सिंगल क्रोशिया बना दी। अब हम यहाँ चेन में डालेंगे, इस तरह से निकाल के हमने सिंगल क्रोशिया बना दी। हम क्या करेंगे, इसे सेम जगह पर डाल के यहीं हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखें, नेक्स्ट चेन में हमने इस तरह से डाला और फिर अगली चेन में हमने इस तरह से डाला और यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से हमें एक दो तीन चार, चार चेन हमने बनाई। यहाँ पे हम इसे इस तरह से 2 बार लपेटेंगे। सेम जगह डाला हमने, फंदे को निकाला, चार फंदे हैं, तो दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार। अब देखिए, ऊपर यहाँ पे हमारे पास दो फंदे हो गए हैं। फिर हमने इसे 2 बार लपेटा, सेम जगह डाला, फंदे को निकाला, दो फंदे को एक बार और दो फंदे को, देखिए इस तरह से एक बार। अब हमारे पास ऊपर यहाँ तीन फंदे हो गए हैं। अब हमने एक बार लपेटा, सेम जगह पे डाला और दो फंदे को एक बार, चार फंदे हो गए हैं। फिर हमने लपेटा, यहाँ पे डाला, दो फंदे को एक बार, पांच फंदे हो गए हैं। फिर हमने लपेटा, सेम जगह पे डाला, दो फंदे को एक बार, निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास टोटल 6 फंदे हो गए हैं। जब 6 फंदे हो गए हैं तो दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार, दो फंदे को एक बार, फिर दो फंदे को एक बार और फिर दो फंदे को एक बार, इस तरह से हमने इसे बना दिया। अब यहाँ पे एक दो
तीन, हमने यहाँ तीन चेन बनाई और यहाँ फर्स्ट चेन में डाल के इस तरह से हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ अगले में डाल के हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर यहाँ अगले में डाल के हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर यहाँ अगले में डाल के हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर नेक्स्ट में डाल के हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, अब यहाँ चेन में डाल के हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने किया, अब देखिए जहाँ से हमने बनाया था सेम वहीं पर डालेंगे हम, इस तरह से यहाँ से फंदे को निकाल देंगे। निकालने के बाद अगली चेन में हमने इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ा और फिर अगली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ये जुड़ गया, फिर यहाँ एक दो तीन चार, हमने यहाँ चार चेन बना ली। और फिर यहाँ पे इसी तरह से हम बनाएंगे, यहाँ पे टोटल हमने देखें ये तीन इधर तीन इधर, टोटल छः पीस बनाए हुए हैं, दो पीस हमारा हो गया है, चार पीस हमें और ऐसे ही बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरे पे बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने देखें सुई में धागा डाला हुआ है, यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, ये ऐसे करके ये नॉट को हम पीछे कर लेते हैं। ये देखिए ये पीछे की साइड चली गई, इस साइड से हमें सिलना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके हम इसे सिलेंगे, ये पूरे राउंड पे हमें सिलना है, एकदम ऐसे सीधी सिलाई सिलनी है जिससे हम जब खींचें तो यहाँ पे सिकना है, ऐसा नहीं है कि आप बखिया लगा दें यहाँ पे, हमें ऐसे सीधी सिलाई लगानी है एकदम। देखिए यहाँ पे ये गुलाई आ रही है हमारी, इस तरह से हमने यहाँ पे इसे सिला है। अभी हम इसे खींच के टाइट करेंगे, बट उसके पहले हमने ये देखिए इस तरह से इसके अंदर डाल देना है, यहाँ से एक डाला मैंने और यहीं से दूसरे वाले को भी डाल देते हैं, डाल के हम इसे खींच लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बाहर ही रहे, बहुत अंदर चला जाएगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा। इस तरह से हमने इसे खींच दिया, खींचने के बाद हम इसे यहाँ से ऐसे खींच के टाइट कर देंगे। ये देखें यहाँ से हमने इसे अच्छे से टाइट कर लिया, ये हमारा सेप ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसे नॉट लगा के कट करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने नॉट लगा दी, और यहाँ से हमें अब कट कर देना है। अभी हमें ड्रेस पे लगाने से पहले इसे भी कट करना होगा, यहाँ पे जो आ रहा है, और अगर आप कट नहीं करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे हम इसे इस तरह से ऐसे लपेट देंगे, क्योंकि जब आप कट कर देंगे तो यहाँ सामने से इसके निकलने के चांसेस होंगे, तो आप इसी तरह से यहाँ पे लपेट दें। ये देखें इस तरह से दोनों को यहीं ऐसे लपेट के छोड़ देंगे, हम सिल देंगे अपनी ड्रेस के साथ, जिसे हमें इसे कट ना करना पड़े, कट करेंगे तो यहाँ से इसके निकलने के चांसेस रहेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है, इस तरह से हमें फ्लावर बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे इतना लंबा कर लिया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ देखें ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस, टोटल यहाँ पे हमने 19 रो बनाई है, और इसमें कि हमारे पास टोटल 6 फ्लावर हैं। अब हम ये फ्लावर यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, बट फ्लावर लगाने से पहले ये देखें मैंने इस तरह में गोल्डन कलर की लेस ली हुई है, ये इसमें से हमने पतला पतला सा कट कर लिया है, इसे हम यहाँ इसके पास इस तरह से ऐसे लगाएंगे, इसे हमें चिपकाना होगा। देखिए यहाँ यहाँ पे हमें ऐसे सभी के बीच बीच में एक एक बार चिपका देना है, और उसके बाद हम अपनी ये फ्लावर यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इतना काम करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी ड्रेस रेडी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हमने यहाँ पे देखिए फ्लावर लगाने के बाद बीच बीच में कुछ मोती लगा दी है गोल्डन कलर की छोटी बड़ी, और यहाँ पे ये डोरी लगा दी है बांधने के लिए, आप देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए अब हम इसके साथ चोली बना लेते हैं। तो चोली के लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से 50 चेन के अंदर तीन रो डबल क्रोशे की बनाई है, एक दो तीन, सेम ऐसे बनाई है जैसे हमने यहाँ पे अपनी कमर पे बनाया था वैसे ही हमने बनाया है, बस यहाँ पे फंदे कम थे और यहाँ पे हमारे फंदे अधिक हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने दो रो बनाई थी और यहाँ हमने तीन रो बनाई है। तीन रो बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए हमने यहाँ पे सेंटर में दो जगह से डोरी बना ली है, इसे हम बांधेंगे, और इसे स्टिच कैसे करना है ये देखिए यहाँ से ऐसे हम वी शेप दे देंगे, बस ऐसे वी शेप देके यहीं से आपको सिल देना है। उसके बाद देखिए इधर से ये आ जाएगी डोरी और इधर से ये। तो चलिए मैं यहाँ इसे सिल देती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। हमने देखिए यहाँ पे इसे सिल दिया, अब आप इसे किस तरह से पहनाएंगे, ये एक कंधे से ऐसे आएगा, फिर ये दूसरे कंधे से इस तरह से पीछे जाएगा, और उसके बाद हम डोरी की हेल्प से यहाँ से ऐसे बांधेंगे। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इस तरह की चोली की, आप जरूर ट्राई करें। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि हमें दुपट्टा कैसे बनाना है। अब देखिए दुपट्टे के लिए मैंने यहाँ पे 45 चेन के अंदर तीन बार डबल क्रोशिया बना ली है, तीन रो एक दो तीन, ऐसे ही आप लंबा सा बना लें।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें इसे इस तरह से अपने ऊन को लगाना है। और देखिए ये ऑरेंज कलर से हम बनाएंगे क्योंकि हमारी पूरी ड्रेस जो है वो ग्रीन कलर से है। आप चोली भी ग्रीन कलर से ही बना सकते हैं, जो हमारा लाइट स्काई ब्लू कलर है उस कलर से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक दो तीन तीन चेन बनाई, इस तरह से करेंगे। और यहाँ फर्स्ट में डाल के हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बुन दी, फिर यहाँ अगली चेन में डाल के हम डबल क्रोशिया बुन देंगे। और इसके बाद फिर देखें यहाँ हमारी जो डबल क्रोशिया है इसमें डाल के हमें बुन देना है। फिर यहाँ पे हमें इस तरह से बुन दिया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया में डाल के बुन दिया, और फिर यहाँ जो अगली चेन आ रही है इसमें डाल के हमने बुन दिया। ये इस तरह से हमारा हो गया। अब हम वर्क को टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद देखें जिस तरह से हमने अपने घेर में बढ़ाया था सेम वैसे ही बढ़ाना है। देखिए हमने यहाँ पे दो और तीन तीन चेन बनाई। अब यहाँ फर्स्ट चेन में ही इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हमें अपनी इस डबल क्रोशिया को उठाना है और इसे थोड़ा सा खींच के लंबा करेंगे, इसमें बना देंगे। अब नेक्स्ट जो आएगी हमारी यहाँ पे डबल क्रोशिया वाली चेन, इसमें हमने दो बार बनाना है। ये देखें एक और दो बार हमने बना लिया। फिर यहाँ अगले में हमने अपनी डबल क्रोशिया में डाल के बुन देना है। ये इस तरह से यहाँ पे हमें निकाला, निकालने के बाद थोड़ा सा लंबा किया, लंबा करने के बाद हमने बुन दिया। और फिर अगले में हमें देखें एक और ये दो दो हमने बनाया। फिर यहाँ से हमने अपनी ये डबल क्रोशिया ली, इसमें से इस तरह से निकाला, हल्का सा लंबा किया, लंबा करने के बाद बुन दिया। और फिर ये लास्ट वाले में हम देखें ये एक और ये दो दो बार हमने यहाँ पे इस तरह से बना लिया। अब हम यहाँ पे अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद देखें ये हमने यहाँ पे तीन चेन बनाई। तीन चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट वाली छोड़ देंगे और सेकंड वाली में इस तरह से डाल के बुन देंगे। यहाँ हमें फंदे को बढ़ाना नहीं है। अभी हमारा उभरा वाला आ गया है, तो उभरे वाले में जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे। इस तरह से हमने इसे निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ से डालेंगे और ये हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हमने इसे बुन दिया। और अब देखिए हमारी यहाँ जो दो चेन है इसमें हमें दो बार डबल क्रोशिया बुनना है। फंदे को इस बार रो में हम बढ़ा नहीं रहे हैं, जितने फंदे हैं सिर्फ उतने ही फंदे पे हम बुन रहे हैं। ये फिर नेक्स्ट में हमने डाला, यहाँ से निकाल के बुन दिया। और फिर यहाँ पे हमें दो चेन वाला मिल गया, इसमें हम बुन देंगे। और फिर देखिए यहाँ पे हमें ये अपना ये उभरा वाला मिल गया है, इसमें हम डालेंगे। ये निकालने के बाद इसे हमने बुन लिया, और यहाँ पे हमारा दो मिल जाएगा चेन वाला, तो इसमें हम इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसे करके बुन लिया, अभी आपको उभरा उभरा हुआ पता चला है। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन तीन हमने चेन बनाए, फर्स्ट चेन में ही एक बार बना लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने फंदे को बढ़ा रहे हैं। ये देखिए अब ये हमारा दो से तीन हो गया है, एक दो तीन। ये जो चेन हम बनाते हैं इसे भी हम डबल क्रोशिया ही मानते हैं, तो तीन हो गया। देखिए अब इसमें डाल के हमें इस तरह से बुन लेना है। यहाँ पे मुझे इसमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। ये देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अगले वाले में डालेंगे और इसमें हमें फंदे को नहीं बढ़ाना है। अब इसके बाद वाला जो आएगा इसमें हम अपने फंदे को बढ़ाएंगे। ये देखें ये एक फंदा, और यहीं सेम में डाल के एक और फंदा हमने बुन दिया। फिर यहाँ से इसे हम उठा के बुन देंगे। और फिर यहाँ इसमें हमने एक फंदा बुना, और अगले वाले में हम एक ही में दो बुन लेंगे, ये एक, और इसी में एक और डबल क्रोशिया। इस तरह से हो गया। फिर हम इसे उठा के बुन देंगे। और फिर यहाँ देखें इसमें हमने एक बुना, और अगले वाले में डाल के दो बुनेंगे, ये एक, और यहीं पे एक और। इस तरह से अब सेम इस तरह से हम अपना बैक वाला भी कंप्लीट करेंगे, पीछे वाला पल्ला सब में तीन तीन आएगा। ये उभरा उभरा वाला बुनते चले जाएंगे। चलिए बुनती फिर आगे दिखाऊंगी क्या। ये देखिए हमने यहाँ एक रो बुन लिया, फिर हम फ्रंट की साइड आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं देखें इस तरह से एक दो तीन तीन चेन बनाए, फिर हमें यहाँ पे इस रो में अपने फंदे को बढ़ाना है। तो देखिए दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये अगले में हमारा चार हो गया। अब ये देखिए हमारा तीन से चार हो गया है, इसमें हमें इसी तरह से उठा के बुन देना है। और फिर यहाँ देखिए अगले में हमने एक बनाया, फिर इसके बाद वाले में भी एक बनाएंगे, और फिर यहाँ लास्ट वाले में हम दो बना लेंगे। तो ये यहाँ पे भी हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए फिर हमने यहाँ पे इसे उठा के बुन दिया, और यहाँ हम फिर वही सेम तरीके से बुनेंगे। लास्ट वाले में हमें एक और ये दो बना देना है, और इसे हम ऐसे ही बुन लेंगे।
और इसके बाद वाला जो पीछे वाला रहेगा वैसे ही हमें कोई फंदे बढ़ाने नहीं हैं, चार चार में चार चार ही हमें बुनते चले जाना है। ये दो हो गया, लास्ट वाले में हमें देखिए एक और यहीं एक और बुन देना है। तो चलिए इसके बाद वाली रो में ऐसे ही प्लेन बुन लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इतना बना दिया है, ये हमने एक रो बुन ली। अब यहाँ पे किस तरह से आपको बुनना है, इस तरह से करेंगे। और देखिए यहाँ पे ये एक पहली वाली चेन छोड़ के दूसरे वाले में हम इस तरह से डालेंगे, तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ हमने उतार दिया। ये देखिए फिर सेम चेन में डालेंगे, ये हम इसे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। हमने दो हाफ डबल क्रोशिया बनाई, ये हमने तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाई, ये हमने चार हाफ डबल क्रोशिया बनाई, ये हमने पाँच और ये लास्ट छः, एक जगह डाल के हमने छः हाफ डबल क्रोशिया बनाई। अब देखिए एक और दो दूसरी चेन में हम यहाँ इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखें फिर इस तरह से करेंगे और एक और दो दूसरी चेन में हम इस तरह से फिर से डालेंगे। और यहाँ पे एक, ये देखें दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये लास्ट छः, हमने छः बनाया। फिर यहाँ पे देखें एक और दो दूसरे में इस तरह से डालेंगे, ये हमने निकाल लिया। फिर यहाँ पे देखें एक और दो दूसरे में, फिर इस तरह से ऐसे करके हमें बनाना है। ऐसे करके हम यहाँ बना लेंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए ये हमारा हो गया है। आप चाहें तो सेम तरीके से इधर भी बना सकते हैं, बट मैं एक ही साइड बना रही हूँ क्योंकि ऐसे हम करके पल्ला दे देंगे माता रानी को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ गोल्डन हमें टच दे देना है। ये जो हमारी लाइन आ रही है इस पर ऐसे करके चिपका लेंगे गोल्डन वाला, और यहाँ पे भी कुछ स्टोन बटन वगैरह लगा लेंगे। चलिए मैं लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने अपने दुपट्टे पे भी इस तरह से थोड़ी सी स्टोन बटन और गोल्डन टच दे दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से हमने अपने दुपट्टे को इस पर स्टिच कर दिया। ये देखिए यहाँ से पहनाने पे ऐसे आगे से आएगा पल्ले पे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। साथ में हमने आपको चोली बनाना भी बता दिया है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।